जय माता दी ऑल एंड अ बिग ब्रेकिंग न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सी ए एंड अ लिटिल बिट ऑफ मोर वेट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सी एस. लेकिन इससे पहले कि मैं एग्जाम्स और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करूं, दिस ब्रेकिंग न्यूज इज रिगार्डिंग द एग्जाम्स और डिटेल में बताऊंगा. अभी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जस्ट वेट फॉर दैट. आई विल टेक योर 5 मिनट्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू टेल मी कि आज सुबह सेक्शन 89 का इंटरप्रिटेशन से भरा हुआ और लास्ट का 10 मिनट पार्ट स्पेशली आपको कैसा लगा? Section 89, that is beneficial owner, and tomorrow it is coming. Section 90 is coming tomorrow, और उसके बाद उसके rules वगैरह भी हैं. तो section 90 और एक level और ऊपर जला जाएगा interpretation का, that is significant beneficial owner. लेकिन आज section 89 था morning में, and that is beneficial owner. एक बार पूरा video देखना और last का 10 मिनट जरूर बहुत अच्छे से देखना, समझ में आएगा कि level of interpretation कैसे बढ़ाया जाता है और कल उस level को और ऊपर बढ़ाएंगे. तो कॉन्टिन्यूटी में सेक्शन 90 एंड किसी ने व्हाट्सएप कमेंट भी भेजा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर सेक्शन 90 जरूर देना. तो जस्ट वेट फॉर दैट अ लिटिल बिट. बट राइट नाउ द बिग ब्रेकिंग न्यूज फॉर द सीए एग्जाम्स और सीएमए का तो पहले आ गया था, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का. सीएस के इंस्टीट्यूट को की तरफ से अभी थोड़ा सा और मुझे लग रहा है इंतजार करना पड़ेगा हमें. बट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट आईसीए है और आज 26 मई 2021 को वेल आईसीएआई ने इशू कर दी है नोटिफिकेशन. And this is on Twitter account of ICAI and big welcome from the CA students. I'll say कि exams जो मई में होने थे अब वो शुरू होंगे. They will commence on Monday, 5th July 2021. I know कि students in Gujarat, Maharashtra coastal areas or West Bengal and Odisha coastal areas are fighting through big fight of the life, survival को लेकर ही काफी दिक्कतें हो रही हैं, पढ़ाई और ज्यादा tough है. बट पैन इंडिया देखते हुए इंस्टीट्यूट को तो पैन इंडिया देखकर ही चलना पड़ेगा. नेचुरल कैलामिटीज तो पहले भी आया करती थी, अर्थक्वेक्स तो पहले भी आया करते थे. तो 5 जुलाई की डेट दी है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया, पैन इंडिया एंड अब्रॉड. अब कुछ स्टूडेंट्स दुखी होंगे इससे भी, क्योंकि जो परेशान होंगे और पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे. बट मेनी स्टूडेंट्स हैव वेल गिवन अ थम्स अप एंड वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया की फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं. और इंस्टीट्यूट ने बोला था कि एग्जाम शुरू होने से 25 दिन पहले बता देंगे, यहाँ तो मैं कहूंगा 40-41 दिन पहले, 40-41 डेज इन एडवांस बता दिया है ताकि आप अपनी पढ़ाई को वापस गियर अप कर लें और अपने शेड्यूलिंग को वापस गियर अप कर लें. सो दिस इज रिगार्डिंग आईसीएआई. एंड यस, वन मोर थिंग, अब 5 जुलाई को एग्जाम शुरू होंगे तो खत्म कब होंगे? जैसा कि सीए का हमेशा रहता है, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, तो उसको देखते हुए होपफुली 19-20 जुलाई तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे. और इसमें सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, सीए इंटर ओल्ड सिलेबस या सीए आईपीसी ओल्ड सिलेबस, देन सीए इंटर न्यू सिलेबस, सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस, सीए फाइनल न्यू सिलेबस, सबके एग्जाम्स हैं. हालांकि सीए फाउंडेशन को लेकर थोड़ा सा भी क्लैरिटी आनी बाकी है, बट सीए इंटर और सीए फाइनल का सबका बता दिया कि 5 जुलाई से एग्जाम शुरू होंगे और 20 जुलाई के आसपास खत्म हो जाएंगे. देन सीएमए इंस्टीट्यूट ने तो पहले ही बता दिया था और आईसीएमआई की वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, तो पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया था कि एग्जाम्स कब हो रहे हैं. 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त का डेट शीट उन्होंने पहले इशू कर दिया था कि द एग्जाम्स विल बी शेड्यूल्ड लाइक दैट. अब बात करते हैं सीएस एग्जाम्स की. तो होपफुली, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि आईसीएसआई अपनी डेट शीट को इन डेट शीट्स के साथ क्लैश तो करेगा नहीं. तो सीए के एग्जाम अगर 19 या 20 जुलाई को खत्म होंगे और यहाँ एग्जाम सीएमए के 26 जुलाई को शुरू होंगे, उसके बीच का टाइम गैप बहुत कम है और वहां तो सीएस के एग्जाम्स प्लेस हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. अगर हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, लाइक 20 जुलाई से 25 जुलाई, लेकिन बड़ा मुश्किल टाइट शेड्यूल है. या 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 7 दिन के अंदर कैसे वो एग्जाम हो पाएंगे, मुश्किल लग रहा है यहाँ पर. तो उस चीज को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए और इन दो डेटशीट, सीए और सीएमए की डेटशीट को देखते हुए, क्या लगता है कि सीएस इंस्टीट्यूट कब एग्जाम करवाने वाला है? अब नाउ दिस इज बिग क्वेश्चन मार्क कि सीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन अभी 26 मई को दोपहर को तो नहीं आई है. तो कब आने वाली है नोटिफिकेशन? आज आने वाली है, कल आने वाली है, 2 दिन 3 दिन बाद आने वाली है, वो देखते हैं. बट विल एग्जाम्स कब होने के चांसेस हैं? मैं सिर्फ चांसेस की बात अगर करूं तो 2 चांसेस जो लग रहे हैं, या तो एग्जाम सीए के एग्जाम से पहले होंगे या तो सीएमए के एग्जाम के बाद होंगे. अगर सीए के एग्जाम से पहले होंगे तो दैट एग्जाम डेट्स विल बी 21 जून टू 1 जुलाई, और 26 मई ऑलरेडी चली गई है. और इंस्टीट्यूट ने तो कहा था कि हम 30 दिन पहले एडवांस में बताएंगे, आईसीएसआई ने बोला था, और अभी 30 दिन का टाइम गैप बन भी नहीं रहा है. तो उसको देखते हुए 21 जून मुश्किल लगता है. अगर 26 या 27 जून बोलते हैं तो फिर वो डेट आगे जाकर 4 जुलाई 5 जुलाई तक जाती है. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबल है कि ये 27 जून से शुरू हो और 4 जुलाई को खत्म हो जाए?
दैट इज वन पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 7 अगस्त से शुरू हो और 14 अगस्त तक खत्म हो जाए एग्जाम, या 16 अगस्त तक खत्म हो जाए, समथिंग लाइक दैट. सो मे बी 14th अगस्त, मे बी 16th अगस्त. दीज आर टू पॉसिबिलिटीज विच आई एम लुकिंग एट. फर्स्ट पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, हो जाए तो मैं कहूंगा सी एस के इंस्टीट्यूट को हम थैंक यू बोलेंगे कि आप फर्स्ट दे दो या सेकेंड दे दो, जो भी है. लेकिन स्टूडेंट्स को एडवांस में पता चल जाए कि एग्जाम्स कब हैं, और आपने वादा किया ही था आप 30 डेज पहले एडवांस में बता देंगे. तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ICSEI, प्लीज 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 ब्रिंग क्लैरिटी इन दिस मैटर फॉर द सी एस स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि वो लोग भी अपनी शेड्यूलिंग आराम से कर सकें. जितनी जल्दी क्लैरिटी आएगी उस हिसाब से शेड्यूलिंग करना सबके लिए आसान हो जाएगा. एंड ऑल दी बेस्ट टू द सी एस स्टूडेंट्स. आलसे पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कीप स्टडिंग एवरी डे. इंस्टीट्यूट की तरफ से एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब भी वो शेड्यूल बताते हैं विल डेट शीट क्या है, नई डेट शीट, वो ऑब्वियसली हम सब लोगों को इंतजार रहेगा. और बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे तो CA और CMA की डेट शीट का थोड़ा सा कम इंतजार रहता है. CS इज द ओनली डेट शीट फॉर विच आई कीप वेटिंग कि CS की डेट शीट कब आएगी. एंड यस, विल रिक्वेस्ट टू ICSEI कि थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो बच्चों को फायदा होगा और क्लैरिटी थोड़ा सा जल्दी आ जाएगी. एंड मीनवाइल वन लास्ट थिंग, कीप लुकिंग फॉर दिस YouTube चैनल, क्योंकि कल भी वीडियो आने वाला है सेक्शन 90 को लेकर, और उसमें स्केल ऑफ नॉलेज और ऊपर जाने वाला है. थैंक यू सो मच. जय माता दी.